कक्षा छठवी का आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय एक का नाम है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या है एक से शुरू होता है, एक दो तीन चार पांच छः, ये जाता है अनंत तक। डेल्टा मतलब होता है अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ए, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं बता पाएंगे। दूसरा पूर्ण संख्या ये होता है जीरो, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डैश, अनंत। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, अनंत। इसी प्रकार से हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। अब देखिए दूसरा चीज आता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या शुरू होता है शून्य से, जबकि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है एक से। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शून्य क्या है, बड़ा है। अब उसके बाद आता है दूसरा हमारे पास सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है, किसे कहते हैं सम संख्या, कहां से स्टार्ट होता है सम संख्या, जो दूसरी वाली होता है, जैसे ये दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, दस हो गया, बारह हो गया, इस प्रकार से कहां तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगी। इस प्रकार से सबसे छोटी सम संख्या क्या है, दो है, और सबसे बड़ी सम संख्या हमें ज्ञात नहीं है, अनंत है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, और आता है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, कहाँ तक जाएगा, अनंत। इस प्रकार से सबसे छोटी विषम संख्या है एक, और सबसे बड़ी विषम संख्या हमें याद नहीं है। इस प्रकार से अब देखते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है और बड़ी है, छोटी है बड़ी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंबल लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते होंगे ये छोटी है और बड़ी है का सिंबल। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो ये जुड़ा हुआ भाग है उधर लिखाता है छोटा लगाता है, और खुला हुआ मुंह की ओर हमेशा बड़ा होता है। जैसे तीन से बड़ी पांच है, मतलब जिधर खुला हुआ मुंह है वो बड़ा होगा, और जिधर बंद वाला भाग है वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। और दूसरी है, इसके बाद आप लोग जो है सम संख्या और विषम संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए। अब आता है अंकों को शब्दों में लिखे और शब्दों को अंकों में लिखे। ये पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, मतलब प्रश्नावली एक, ये क्वेश्चन आप लोग क्या करके लाएंगे, सॉल्व करके लेके आएंगे। ये कॉपी में आप एक मैथ्स का कॉपी बनाएंगे, गणित का कॉपी, और उसमें हल करके लेके आएंगे जब भी स्कूल आएंगे उस समय, ठीक। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।